मुगल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। मिशन ऑफ इंडिया द्वारा कर दी गई थी और 30 तारीख को उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो 30 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद में नॉमिनेशन चालू होंगे, जो लगातार 6 तारीख तक पूरे जिले में 10 विधानसभाओं के 10 आरओ ऑफिसेज में उनके नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 7 तारीख को सुबह 11 बजे उसकी स्क्रूटनी होगी, जो भी फॉर्म्स आएंगे। फॉर्म्स की स्क्रूटनी के बाद में वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की सूची फाइनल होगी और फिर 9 तारीख तक, मतलब 2 दिन और दिए गए हैं फॉर्म विड्रॉल के लिए। तो जब विड्रॉल की टाइम निकल जाएगा, उस दिन के बाद से जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो वास्तव में चुनाव लड़ेंगे हर विधानसभा में, वो उनकी सूची फाइनल हो जाएगी। तो उनके आधार पर फिर आगामी जो हमारी ईवीएम प्रिपरेशन की बात रही, बैलेट पेपर छपवाने की बात रही, होम वोटिंग की बात रही, या और जो भी गतिविधियाँ जो हैं उसके बाद होंगी, ईवीएम प्रिपरेशन भी जब तक हमारे बैलेट पेपर फाइनल नहीं होंगे सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद में, उसके बाद चलेगी। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य इसमें यह भी है कि 27 तारीख कमीशन ने लास्ट डेट मानी थी नए नंबर, नए नाम जोड़ने की, जो कि आज है। तो आज के बाद में अब वोटर लिस्ट जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। तो अब किसी भी प्रकार का संशोधन तो पहले से मना कर रखा था, जिस दिन से घोषणा हुई चुनाव की उस तारीख के बाद से घोषणा नहीं, मतलब संशोधन नहीं हो सकता था, पर नाम जोड़े जा सकते थे फॉर्म 6 के आधार पे या फॉर्म 8 में यदि शिफ्टिंग का कोई केस है, वो भी आज फाइनल हो गया। और आज जितने नाम जोड़े जाने थे वो नाम अब जुड़ चुके हैं और उसी आधार पे हमारी वोटर लिस्ट बनेगी और उसी आधार पे हम चुनाव। होम वोटिंग के लिए जैसे पिछली बार भी अपनी बात हुई थी, होम वोटिंग दो तरह से होगी। एक जो दिव्यांगजन है हमारे, जो मतलब जो किसी कारणवश अगर दिव्यांगता की कैटेगरी में आते हैं, और दूसरे जो 80 प्लस लोग हैं, उसमें भी आरओ की सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट होगी और कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो भी व्यक्ति इसके लिए ऑप्ट करता है उसको लगानी होगी। और फिर उसके आधार पे हमारी टीम जो है वो घर जाके उनसे वोटिंग करेगी। इसमें आरओ को ये सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है कि वो वास्तव में व्यक्ति बेड रिडन है या इमोबाइल है, वो वास्तव में बूथ में नहीं आ सकता। अगर ऐसी कोई व्यक्ति अपना वो देता है कि साहब मैं होम वोटिंग के लिए ऑप्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर उनके लिए हम होम वोटिंग। वो किसको देगा ये एप्लीकेशन? 4 तारीख को जो उसमें ये निर्देश है उसमें कमीशन की ओर से कि 30 तारीख से 4 तारीख तक, मतलब 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक जितने फॉर्म 12D कंप्लीट होके आ जाएंगे और जिस पे आरओ सहमत होगा कि इनको हमें होम वोटिंग कराना है, तो उनकी होम वोटिंग के लिए लिस्ट फाइनल करेंगे हम 4 तारीख के बाद। और फिर कंसर्न जो लिस्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी दी जाएगी डीओ और आरओ के लेवल पे, और उनको बताया जाएगा कि शेड्यूल भी बताया जाएगा, रूट भी बताया जाएगा कि कौन से रूट पे हमारी टीमें जाएंगी, किस तारीख में जाएंगी और होम वोटिंग करेंगी। तो वो सारी चीज़ें पारदर्शी रहें और संबंधित जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी जानकारी में रहे, वो सब हम सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्मूथली ये, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, राजस्थान में पहली बार है होम वोटिंग का। उपचुनाव में तो आया बट नॉर्मल जो जनरल इलेक्शन है उसमें फर्स्ट टाइम है, तो एक चैलेंज भी है। पर इससे कमीशन की जो मंशा है कि जो व्यक्ति किसी भी कारणवश नहीं आ पाते थे उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं। ईवीएम की अभी तो देखिए वेयर हाउस में है, 3 तारीख को 5 बजे का समय दिया कमीशन ने, जिसमें हमें ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन करना है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन करने के बाद में वो संबंधित जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पे ईवीएम 24 घंटे निगरानी में रहेगी, सीसीटीवी के भी और जाप्ते के भी, तो वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। स्ट्रांग रूम हमारे तैयार हो चुके हैं, 2 बिल्डिंग्स में हमारे स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम जहाँ पे होगा वहाँ पे चुनाव के बाद में काउंटिंग प्लेस होगा। तो महिला पॉलिटेक्निक में 4 हैं, 4 विधानसभाएं हमारी महिला पॉलिटेक्निक में हैं और 6 विधानसभाएं जो है हमारी वो कोएड वाला जो पॉलिटेक्निक है उसमें सेंक्शन आगे 45 हमारे ऑक्सिलरी बूथ नए हैं, तो 2566 प्लस 45, तो ये 29 तारीख को हम जो पोजिशन दोबारा ऐड करते हैं 2566 प्लस 45 आखिरी में 1 आएगा, तो जो भी है टोटल कितना हुआ मैं एक बार कर ही देता हूँ कितना
जो है वो होंगे, और इसकी सूची जो है 29 तारीख को हम विधिवत जारी करेंगे। कर्मचारी मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार का, मतलब आप भी देखे अगर 2600 बूथ है, नहीं मैं वही आपको कैलकुलेशन ही बता रहा था, 2600 बूथ पे 5 का गुना कर दो, 4 तो पोलिंग पार्टी है तुम्हारी कॉन्स्टेबल, तो 2600 गुना 5 आप कर दो तो 13000 तो ये होता है, और बाकी फिर सेक्टर ऑफिसर फिर रिजर्व जैसे आप कह रहे हो हम 20% रिजर्व रखेंगे, तो ये सब करके मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार के बीच में जो कर्मचारी हैं वो रहने चाहिए। ठीक है, ओके सर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।